महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर किया जमकर वार, कांग्रेस पर बरसे, कांग्रेस की सोच को बताया दलित विरोधी, बोले कांग्रेस को विश्वकर्मा बंधुओं की चिंता नहीं। पीएम ने कहा आज कांग्रेस बदल चुकी है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, इस कांग्रेस पर नफरत का भूत सवार, ये देश तोड़ने वाली कांग्रेस। वर्धा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आज की कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहा है, शाही परिवार के अधीन आज की कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है। पीएम ने कहा आज की कांग्रेस के मन में गणपति पूजा को लेकर नफरत है, कर्नाटक में तो कांग्रेस ने गणपति बप्पा को ही सलाखों में डाला, जिस मूर्ति की पूजा हो रही थी उसे कैद करवा दी। इस उत्सव में हर समाज हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की मोदी ने जमकर तारीफ की, किसानों का बिजली बिल जीरो करने का दावा किया। पीएम ने सूखा प्रभावित इलाके में किसानों को सिंचाई की सुविधा देने का भी वादा किया, बोले जिस कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया उन्हें फिर कभी नहीं देना है वापस मौका। पीएम ने अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का ऑनलाइन भूमि पूजन किया, महाराष्ट्र के 1000 कॉलेजेस में टेक्सटाइल केंद्र का शुभारंभ किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने वंचितों के उत्थान वाली पीएम मोदी की सोच पर गर्व व्यक्त किया। मैं गर्व है नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, उन्होंने सबसे वंचित समाज के जो उद्यमी थे उनको पूछा और आज उनको बड़ा उद्यमी बना रहे हैं, और पूरे विश्वकर्मा योजना को एक प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी दर्जा दिया गया। ईद मिलादुन नबी और अनंत चतुर्दशी एक ही दिन होने से प्रशासन ने जुलूस दो दिन बाद निकालने की अपील की थी, पर दो दिन बाद भी जुलूस निकालने पर हिंसा हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे और महाराष्ट्र में कनकवली से विधायक नीतीश राणे का भड़काऊ बयान, मुसलमानों को चेतावनी। मोहम्मद पैगंबर आहेत, तसेच आमच्यासाठी गणेश गणपती बाप्पा आहेत, तसेच आमच्यासाठी स्वामी समर्थ आहेत, तसेच आमच्यासाठी हनुमान आहेत, देवता आहेत, म्हणून आमच्या देवी देवतांकडे वाकड्या नजरेने बघाल, तर उद्या तुमच्या पण ईद आणि मोहरमच्या मिरवणुक्यांवर तुम्ही शांत पद्धतीने काढू शकणार नाही। इससे पहले नीतीश राणे बोले थे हमारे रामगिरी महाराज के विरुद्ध अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, इस बयान पर उनके विरुद्ध केस भी दर्ज हुआ। नीतीश के बयान पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की सफाई, कहा वो हिंदुत्ववादी हैं, कभी कभी जब वो बोलते हैं तो उनके अर्थ अलग निकलते हैं, इस संदर्भ में नारायण राणे और मैंने उनसे चर्चा की। कभी कभी जे कहीं बोलता तैसे वेगळे अर्थ निघतात, त्या संदर्भात स्वतः नारायणराव राणे साहेबांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे, मी चर्चा केली आहे। विधायक नीतीश राणे को ओबीसी की पार्टी AIMM के नेता वारिस पठान ने दी धमकी, कहा कुत्ते भौंकते रहते हैं शेर को फर्क नहीं पड़ता, वो मस्जिद में घुस कर मारने की बात करते हैं, आएंगे अपने पैर पर, जाएंगे स्ट्रेचर पर। देखिए कुत्तों के भौंकने से शेरों को फर्क नहीं पड़ता, यही राणे पिछली बार भी कहा था, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, आ जा बेटा, बैठे आजा मस्जिद में, आएगा दो टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पे ही तू। शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान, AIMIM और बीजेपी की भाषा एक जैसी, दोनों एक दूसरे की ए और बी टीमें, ये तय करके महाराष्ट्र में करवाते हैं दंगे। और कर्नाटक की दावणगिरी में गणपति जुलूस के दौरान पथराव में 20 मुसलमानों पर केस दर्ज, विसर्जन जुलूस पर इन्होंने पथराव किया। सुल्तानपुर के सराफा लूटकांड के आरोपी अजय यादव पर पुलिस ने 1,00,000 रुपए का इनाम लगाया, मुठभेड़ के दौरान अजय यादव घायल, बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद व्हीलचेयर पर लाई पुलिस। जिसमें बदमाश ने पुलिस के और एसटीएफ टीम के ऊपर फायरिंग की, इसके जवाब में पुलिस ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी। ये अपराधी का नाम अजय उर्फ DM है, ये वही अपराधी है जो 1,00,000 रुपए का इनामिया है।
अजय यादव से एसटीएफ की मुठभेड़ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए, कहा मंगेश यादव के एनकाउंटर की तरह आज भी सवाल जिंदा, एनकाउंटर में कुछ को मारी जाती है गोली, कुछ को कराया जाता है सरेंडर। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन का आरोप, सुल्तानपुर लूटकांड का मुख्य आरोपी है क्षत्रिय, इसलिए अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव की हत्या की और जो मुख्य आरोपी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं, छत्री हैं, तो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि एसटीएफ में भी वही लोग हैं, तो मुख्य आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जिसका नाम अभी तक पुलिस ने भी नहीं बताया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त आनंद। अखिलेश के ट्वीट पर बिफरी बीजेपी, लक्ष्मी नारायण चौधरी बोले पूर्व सीएम अखिलेश यादव को खुद रखना चाहिए भाषा का ध्यान, किसी संत को धूर्त कहना शर्म। बीजेपी पर पलटवार में समाजवादी प्रवक्ता अमित जमई ने अखिलेश के ट्वीट को सीधे सीएम योगी से जोड़ा, कहा सीएम की भाषा योगी वाली नहीं, अखिलेश ने उनकी जो तुलना कही की वो बिल्कुल सही। तिरुपति बंदर के प्रसाद को लेकर जुलाई 2024 की लैब रिपोर्ट सामने आई, टेस्ट रिपोर्ट में प्रसाद में फिश ऑयल यानी कि मछली के तेल होने का उल्लेख। सत्तारूढ़ टीडीपी का दावा, तिरुमला देवस्थानम को सप्लाई होने वाले घी में एनिमल फैट यानी कि पशुओं की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट। बीजेपी विधायक टी राजा का बयान, तिरुपति के प्रसाद लड्डू में बीफ फैट के मिले होने की जानकारी भी सामने आई, कहा जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल का है पूरा मामला। तिरुपति के प्रसादम मामले में नया मोड़, वाईएसआर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दी अर्जी, चंद्रबाबू नायडू के दावे की जांच के लिए हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग। आंध्र प्रदेश बीजेपी ने भी जगनमोहन सरकार के समय गठित तिरुमला मंदिर बोर्ड पर उठाए प्रश्न, कहा हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के साथ हो रहा है खिलवाड़। अखिल भारतीय संत समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा ने तिरुपति की रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह आक्रोश पैदा करने वाली बात, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी के संतों में जबरदस्त नाराजगी, सरकार के हाथों से मंदिर को मुक्त करने की मांग, मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की भी मांग। आंध्र प्रदेश कांग्रेस वाईएसआर शर्मिला ने भी नायडू के आरोपों से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत होने की बात कही और सीबीआई की जांच की मांग की। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी का जवाब, चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला की पवित्रता, करोड़ों हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया। तिरुमला के प्रसाद के मामले को लेकर वाराणसी में संत नाराज, मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने की मांग। तिरुमाला प्रसादम मामले में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मांगी रिपोर्ट, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की। तिरुपति लड्डू विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा मुझे लगता है कि तिरुपति प्रसादम मामले में सीबीआई जांच की जरूरत। तिरुपति के प्रसादम मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन पर एनएसए लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी। तिरुपति प्रसादम मामले में एआर डेयरी प्लांट ने लैब रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा लैब रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज, हमने मंदिर में खपत का 0.1% हिस्सा ही सप्लाई की, एनएपीएल से जांच के बाद घी की सप्लाई की। जेपी नड्डा की खड़गे को लिखी जवाबी टिप्पणी पर प्रियंका का पलटवार, प्रियंका गांधी बोली 82 वर्ष के नेता खड़गे का हुआ अनादर, बेहतर होता पीएम को चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी ही देते जवाब। प्रियंका बोली नड्डा ने आक्रामक पत्र लिखवाया, पीएम को अलग मिसाल रखनी चाहिए। दिल्ली में कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी, सीएम का सफर शुरू करने से पहले बीजेपी पर वार किया, बीजेपी शासित प्रदेशों से दिल्ली में सस्ती बिजली का दावा किया। आतिशी का दावा, दिल्ली में 47 लाख परिवारों का बिजली बिल हमने जीरो कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हुआ, दिखा रहा है अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी का ऐड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का प्लान सामने आया, क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। गोरक्षनाथ मंदिर में आई पुंगनूर गाय, सीएम योगी ने गुलाल। राष्ट्रपति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण मामले में केस चलाने को स्वीकृति दी, सीबीआई ने राउज रेवेन्यू कोर्ट को सौंपी स्वीकृति की प्रति। यूपी के बहराइच में बचे एक आदमखोर भेड़िए का हवाला देने के बीच बढ़ गई फिर से दहशत, भेड़ियों का नया झुंड देखा गया, जिस भेड़िए की तलाश थी वो भी उसी झुंड के साथ दिखाई दी। कोलकाता में रेप हत्याकांड के विरुद्ध स्वास्थ्य भवन पर डॉक्टर्स का प्रदर्शन खत्म हुआ, शनिवार से यानी कल से लौटेंगे काम पर, कॉलेजेस में जारी रहेगा प्रदर्शन।